और अब जो वो बात आ जाती है, जो हबल ने असल में काम किया, बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया, हमें वो डिस्कस करना है। अब एक बात हमें समझनी है, वो क्या समझनी है कि ये जो ब्लू शिफ्ट वाली गैलेक्सीज थी, जो हमारी ब्लू शिफ्ट वाली गैलेक्सीज है, वो बहुत कम है, ठीक है, वो सिर्फ एंड्रोमेडा में या कुछ ऐसी गैलेक्सीज है जो ये काम दिखाती है हमें करके। वरना 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 अक्सर उबेश्तर क्या हो रहा है, अक्सर उबेश्तर ऐसा कुछ हो रहा है, स्पेक्ट्रम का लेबोरेटरी ये आता है, कोई नई गैलेक्सी क्या होती है, उसके लैम्डाज हल्के से शिफ्टेड आते हैं, कोई बहुत दूर की गैलेक्सी उसके लैम्डाज ज्यादा शिफ्टेड आते हैं, कोई बहुत ज्यादा दूर की गैलेक्सी उसके लैम्डा और भी ज्यादा शिफ्टेड नजर आते हैं। मतलब तमाम, मतलब अक्सर उबेश्तर जो गैलेक्सीज हैं उनके अक्सर उबेश्तर जो लैम्डाज आ रहे हैं वो दूर दूर आते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी स्पेक्ट्रम्स ऑफ गैलेक्सीज आर रेड शिफ्टेड, एक चीज ये आर रेड शिफ्टेड। दूसरी बात ये कि एज दी गैलेक्सी द गैलेक्सीज दैट आर मोर डिस्टेंट, द गैलेक्सीज दैट आर मोर डिस्टेंट आर मूविंग अवे विद ग्रेटर स्पीड्स। ठीक है, ये कैसे अंदाजा लगाया, ये ऐसे अंदाजा लगाया बिकॉज दे शो मोर रेड शिफ्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि भाई जब डेल्टा लैम्डा ज्यादा आएगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी, उस गैलेक्सी की वेलोसिटी भी ज्यादा है। अब ये हुआ कि जब हमने डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज किए, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेज में जो गैलेक्सीज थी, कोई अगर गैलेक्सी बहुत करीब थी जैसे हमने सन का किया तो सन का ऐसा आया, ठीक है, थोड़ी सी दूर गैलेक्सी का किया तो उसका हल्का सा शिफ्टेड आया, किसी बहुत दूर गैलेक्सी का किया उसका ज्यादा शिफ्टेड आया, फिर और बहुत दूर गैलेक्सी किया उसका और भी ज्यादा शिफ्टेड आया। मतलब ये बात नजर आ रही थी कि जितना जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, जितना जितना दूर गैलेक्सी को देखते जाओगे, उसकी रिसेशन वेलोसिटी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, वो ज्यादा रेड शिफ्टिंग दिखा रही है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे हबल भैया और उनका हबल लॉ, हबल्स लॉ। तो हबल भैया ने क्या किया, हबल भैया ने ये किया कि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है उस हिसाब से वेलोसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार वेलोसिटी और डिस्टेंस का जरा लिंक निकालने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारी रिसेशन वेलोसिटी है, रिसेशन वेलोसिटी जो वी है, और ये जो हमारा डिस्टेंस है डी, जो हम कह रहे हैं जितना दूर वो गैलेक्सी है। हबल भैया ने क्या किया, उन्होंने रिसेशन वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्टेंस का प्लॉट बनाना शुरू किया। अच्छा, जब वो प्लॉट बना रहे थे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आए, कुछ पॉइंट्स फिर ऐसे आए, और फिर हमारे पास कुछ इस तरह से हुई कहानी। ठीक है नहीं, अच्छा, अब हबल लॉ ने, हबल भैया ने क्या किया, हबल भैया ने ये किया कि उन्होंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दी। उन्होंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्यों बनाई, क्योंकि अक्सर और बेशतर पॉइंट्स लाइन पे पड़ रहे थे और लाइन बड़ी जो है वो काफी हमें सही तरह वाजे तौर पे नजर आ रही थी। ऑल्दो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कैटरिंग ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे एक सीधी लाइन बन रही है, जो करीब करीब की गैलेक्सीज थी ना जिनका हमें बहुत अच्छे तरीके से पता था, उनके सारे पॉइंट्स लाइन पे आ रहे थे, लेकिन जो बहुत ज्यादा दूर दूर थी या थोड़ी सी हमें उतने बारे में उनके बारे में पता नहीं था, उनके पॉइंट्स में थोड़े से मसले मसाइल आते थे। लेकिन इवेंचुअली हमने ये जो है वो हमारा कॉमन कंसेंसस बना कि हम जो है वो क्या कर लेते हैं, हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, और ऐसा ही है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जो गैलेक्सी जितनी दूर है उतनी ज्यादा उसकी रिसेशन वेलोसिटी आएगी जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। हबल भैया इसको थोड़ा सा और आगे ले गए और उन्होंने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया, वी इक्वल्स टू एच नॉट डी, दिस इज योर हबल्स लॉ। ये आपका क्या है, ये आपका है हबल्स लॉ, दिस इज दी हबल्स लॉ, एंड ये जो चीज है एच नॉट, ये दिस इज दी हबल्स कॉन्स्टेंट, ये हमारा हबल्स कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है जी,
ये आ गया हमारा हबल्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एक सेकंड में कॉपी डाउन भी कर देता हूँ। हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू है इन द डेटा बुकलेट एज 2.21 × 10⁻¹¹। दिस इज हबल्स कांस्टेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली हबल्स कांस्टेंट ऐसी तो पता नहीं था, हमने ये वर्कआउट किया है, हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। लेकिन 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 कुछ बातें अब जो है वो समझाना शुरू करनी है, कुछ बताने बातें जो है वो बताना शुरू करनी है। अच्छा, अक्सर उबेशतर लाइन, अक्सर उबेशतर जो पॉइंट्स थे वो लाइन पे पड़ रहे थे, यानी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला चीज आती है। कुछ जो है वो यहाँ पे एरोनियस पॉइंट्स आ रहे थे जो लाइन पे नहीं पड़ते थे, तो उन एरर्स के बारे में हम पता नहीं रहते कि व्हाई आर देयर एरर्स, सो कॉजेज ऑफ एरर्स, लेट्स डिस्कस दैट। सो कॉजेज ऑफ एरर्स, सबसे पहला कॉज जो है वो ये हो सकता है, क्या एरर हो सकता है, कि गैलेक्सीज मे हैव रोटेशनल मोशन, मे हैव रोटेशनल मोशन। मतलब आप कह रहे हो कि गैलेक्सी मुझसे, जैसे आप यूं खड़े हो, आप कह रहे हो गैलेक्सी मुझसे यूं दूर जा रही है, क्या पता वो गैलेक्सी घूम घूम के यूं दूर जा रही हो, तो उसकी वजह से ये इनकंसिस्टेंसी आ रही है कि शायद हम जो ये वी निकालना चाह रहे हैं उसका वो, क्योंकि वी जो है वो किसी, ये नहीं कि आपने एक टाइम पे मेजर कर लिया, वो ओवर द टाइम ऑफ डेज, ओवर द टाइम ऑफ मंथ्स मेजर हो रहा है, तो टाइम ऑफ ईयर्स मेजर हो रहा है, तो हो सकता है वो गैलेक्सी घूम घूम के जा रही हो, तो जब हम उसका मेजर कर रहे हैं हम गलत पॉइंट्स पे कर रहे हैं, कि कभी कभार वो हो सकता है दूर तो जा रही लेकिन कभी कभार हमारे करीब आएगी, घूम रही होगी, अगर घूम रही है तो कभी करीब भी आएगी कभी दूर भी जाएगी, कभी करीब भी आएगी कभी दूर भी जाएगी, तो समथिंग लाइक दैट कैन हैपन, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, दूसरा कॉज ये हो सकता है के जो है गैलेक्सीज रिसेशन मे बी इफेक्टेड बाय अदर गैलेक्सीज, ठीक। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब यह हुआ, भाई आप कह रहे हो मैं यहां पे खड़ा हूं और आप देखना चाह रहे हो इस गैलेक्सी को, अब आपने तो कहा कि इसका वेलोसिटी जो है वो हम दोनों के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने तो ये बात कह दी, लेकिन आपकी बात तब दुरुस्त होगी जब यहाँ करीब आस पड़ोस में कोई और गैलेक्सी ना हो, क्योंकि जब आस पड़ोस करीब में गैलेक्सी होगी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपके एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाओगे पूरी ग्रेविटी पूरी गैलेक्सी पे, और वो गैलेक्सी फिर उस गैलेक्सी की तरफ भी एक्सिलरेट करेगी, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि इसकी वजह से हो सकता है आपके ये वेलोसिटीज गलत आ रही हो, ज्यादा आ रही हो, ओवरशूट आ रही हो, तो दैट माइट बी द रीजन, हो सकता है कोई और गैलेक्सी जो है वो खींच रही हो इसको, तो जो डिस्टेंस है सिर्फ उसकी वजह से वेरिएशन आ रही हो सकता है किसी और गैलेक्सी खींचने की वजह से भी आ रही हो, ठीक है। बाकी तीसरा रीजन दैट यू नीड टू नो वो ये है कि हो सकता है मे बी दी मोशन ऑफ दी गैलेक्सी इज नॉट इन दी लाइन ऑफ साइट। भाई आप ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ और ये एक गैलेक्सी है यहाँ पे, आप कह रहे हो ये जो आ रहा है, जो लाइट आ रही है मेरे पास से, इसके पास से इधर, मैं कह रहा हूं कि इसकी एक स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन है, क्या पता बीच में जो है बहुत सारा मास हो, और आपको पता है क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट करती है, हो सकता है ये मास लेंस की तरह बिहेव कर रहा हो और लाइट रिफ्रैक्ट करके आपके पास आ रही हो सकता है गैलेक्सी असल में यहाँ पे है जो रिफ्रैक्ट करके आपके पास आ रही है इसकी लाइट, तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी इनकंसिस्टेंसीज आ रही हो। ये तीन रीजन है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पूछे जाएंगे बट कोर्स के लिहाज से मुझे पढ़ाने हैं तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये इनकंसिस्टेंसीज वाले जो पॉइंट्स हैं इनके ये तीन वजूहत हो सकती हैं। एक क्या रोटेशनल मोशन हो शायद, तो हमारे पास वैसे भी नहीं आने वाली सही। दूसरी क्या चीज है, दूसरी ये चीज है कि हो सकता है कोई और गैलेक्सी खींच रही हो इस गैलेक्सी को। तीसरी क्या चीज है, तीसरी ये चीज है कि हो सकता है हम कह रहे हैं हम सीधा देख रहे हैं, हो सकता है सीधा नहीं देख रहे, कोई टेढ़ी जगह से लाइट आ रही है हमारे पास लेंस की तरह बिहेव करते हुए, लाइट को मोड़ते हुए, लाइट बेंड होते हुए आपके पास आ रही है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये जो है वो हमारे पास कुछ गलत हिसाब बनता है। एक्चुअली अब लेट्स गो ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो हमें इधर करनी है, और वो कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो एक काम कर लेते हैं, लेट्स टेक अ क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, आई होप उससे पहले बात क्लियर हो जाएगी, फिर जो है वो हम चलेंगे ऑन टू दैट थिंग जो एक्सप्लेन करनी है आगे। अच्छा, द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इज
इन द स्पेक्ट्रम इज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वाज मेजर्ड एट 398.6 नैनोमीटर. द सेम लाइन मेजर्ड इन द लेबोरेटरी हैज अ वेवलेंथ ऑफ 393.3 नैनोमीटर. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ द गैलेक्सी. तो वो कैसे निकलेगा, अगेन सेम थिंग, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा विल इक्वल्स टू वी ओवर सी. ठीक है जी, डेल्टा लैम्डा क्या आ रहा है, डेल्टा लैम्डा आ रहा है 393.3 माइनस 398.6. ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल 393.3 था, दोनों नैनोमीटर्स में है, ऊपर नीचे डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसलिए नैनोमीटर को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ. वी हमें निकालना है 3 × 10^8, हमें ये पता है. कैन एनी वन वर्क आउट दिस रिसेशन वेलोसिटी, ये क्या आ रही है. सो वी आर गेटिंग, अच्छा मैंने माइनस गलत कर लिया, 398 बड़ा था, ठीक है खैर जो भी. अच्छा हमारे पास आ रहा है 404.2715 एज एमन सेज. तो बेसिकली 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 अगर उसको राउंड ऑफ कर ले तो ये आ रहा है, हमारे पास चार सिग्निफिकेंट वैल्यूज दी हुई हैं, चार सिग्निफिकेंट लिख लेते हैं, 4.043, 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 10^6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज द रिसेशन वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी. और अब आप यूजिंग हबल्स लॉ भी यू कैन वर्क आउट द डिस्टेंस. हमने अब तक कोर्स में कितने तरीके पढ़ लिए हैं, हमने अब तक कोर्स में तीन तरीके पढ़ लिए हैं. ठीक है, एक ग्रेविटेशन पढ़ा था केपलर्स लॉ में, केपलर्स लॉ को भूल जाओ. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्टैंडर्ड कैंडल्स को इस्तेमाल करके कैसे डिस्टेंस निकालते हैं. फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और जो लुमिनोसिटी और रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी वाले जो सवाल है उसके थ्रू कैसे हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे टू द गैलेक्सी. और अब ये तीसरा आ गया, तीसरा क्या जो है वो तरीका है, तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप डेल्टा लैम्डा वर्कआउट कर लो क्या आ रहा है उस गैलेक्सी का. डेल्टा लैम्डा वर्कआउट करके आपके पास रिसेशन वेलोसिटी काफी आराम से आ जाएगी. जब आपके पास रिसेशन वेलोसिटी आ गई है तो फॉर्मूला में डाल दो वी इक्वल्स टू एच नॉट डी, हबल्स लॉ में डाल दो अगर रिसेशन वेलोसिटी ये आ रही है 4.043 × 10^6, हबल्स कांस्टेंट को हबल्स कांस्टेंट में डालो, वो क्या है, वो है 2.21 × 10^-18, 2.21 × 10^-18. एंड फिर क्या है, फिर हमारे पास आ गया हमारा डिस्टेंस डी. तो इस तरह से भी दिस इज अनदर मेथड इन योर कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर जिससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन वर्क आउट द डिस्टेंसेस टू गैलेक्सीज या स्टार्स फार अवे. सो एमन बोल रही है 1.829 × 10^24. थैंक यू एमन, आई होप सबको क्लियर हो रही हो बात. इतना एज सच कोई मुश्किल चीज नहीं है, काफी आसान है इसकी कैलकुलेशंस वगैरह, बस बात समझाने की है, बात जो है वो बताने की है कि इस तरह से भी दिस इज हाउ यू कैन वर्क आउट द डिस्टेंस. अच्छा अब आ जाते हैं ऑन द फाइनल थिंग, हमने एज ऑफ द यूनिवर्स भी निकाल ली यूजिंग हबल्स लॉ. हबल्स लॉ से पहले, एज ऑफ द यूनिवर्स निकालने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग द बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी, भाई आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जो गैलेक्सी हमसे जितना दूर है वो उतनी तेजी से हमसे दूर जा रही है. द गैलेक्सीज दैट आर, द गैलेक्सीज दैट आर फर्दर अवे आर मूविंग, the galaxies that are further away are moving at higher recession speeds, at higher recession speeds. ये बात हमने हबल्स लॉ और ये सारा हबल के काम पे हमने देख लिया. अब मजे की बात, ये तो टाइम फॉरवर्ड जाते हुआ, जैसे सपोज करो धमाका होता है ना, जब एक बॉम्ब फटता है तो उसमें से जो बारूद होता है वो फिर फटता है और फिर बाहर की तरफ निकलता है, यही होता है, फटता है फिर बाहर की तरफ निकलता है. अब ये सपोज करो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे था और टाइम टी इक्वल्स टू एज ऑफ द यूनिवर्स पे अभी हम यहाँ पे हैं. अब अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, तो क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स आज जो हमें दिखती है सब चीजें हमसे दूर दूर जा रही हैं. अगर हम उसको रिवर्स कर दें हर चीज को तो यूनिवर्स कैसी थी, यूनिवर्स एक छोटा सा पॉइंट थी, छोटा सा पॉइंट थी जिसमें सारा का सारा मास था आपकी पूरी यूनिवर्स का. ये आ गया आपकी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में कहानी. दिस इज योर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. इफ वी रिवर्स टाइम,
इफ वी रिवर्स टाइम एवरीथिंग विल मूव इनवर्ड्स एंड इवेंचुअली गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन ए सिंगल पॉइंट, गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन ए सिंगल पॉइंट। यानी आप, मैं, एमन, अरीबा, ये मेरा कंप्यूटर, मेरी मेज, आपका घर, पूरा अर्थ, तमाम जो प्लैनेट्स हैं, तमाम यूनिवर्स, क्या तमाम गैलेक्सीज, वो पहले क्या थी, एक छोटे से पॉइंट में थी। सारी की सारी गैलेक्सीज एक जो है वो छोटे से पॉइंट में थी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी के लिहाज से कुछ डेफिनेशन भी हम देख लें। तो द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वेरी फ्रॉम एन इन्फिनिटली डेंस, फ्रॉम एन इन्फिनिटली डेंस। इन्फिनिटली डेंस क्यों बोल रहे हैं भाई? जाहिर बात है, अभी आज अगर यूनिवर्स में इतना ज्यादा मैटर है तो वो कहां से आया? वो सारा होगा पहले उस पॉइंट में, तो उस पॉइंट की डेंसिटी, वॉल्यूम उसका नेग्लिजिबल और उसका मास इन्फिनिट, तो उसकी डेंसिटी भी इन्फिनिट आ गई। सो द यूनिवर्स, द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट द यूनिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम एन इन्फिनिटली डेंस पॉइंट नोन एज दी सिंगुलैरिटी। उसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, नोन एज दी सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी, नोन एज दी सिंगुलैरिटी एंड हैज बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस, एंड हैज बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस। और जो मेरे बच्चे, जो मेरे मुसलमान बहन भाई, ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ने जो है वो ये कायनात बनाई है, आप फालतू बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इस लिहाज से भी, कुरान में कोई ऐसी चीज मिलती है हमें? तो कुरान में हमें एक ऐसी चीज मिलती है इन आई डोंट नो इसको कैसे रेफरेंस कैसे देंगे, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है, हैव दोज हु डिसबिलीव्ड नॉट कंसिडर्ड दैट द हेवंस एंड द अर्थ वर अ ज्वाइंट एंटिटी, देन वी सेपरेटेड देम एंड मेड फ्रॉम वॉटर एवरी लिविंग थिंग, देन विल दे नॉट बिलीव। तो बिग बैंग थ्योरी, ये फिजिक्स जो हमने इतनी पढ़ी, ये फाइनल समझो, इसका जो है वो लास्ट चैप्टर सब इधर जाके प्रॉपर जाके बैठ रहा है कि फिजिक्स गलत नहीं है, जो हम अंदाजे लगाते हैं वो बिल्कुल सही है। इफ वी आर डूइंग साउंड कैलकुलेशंस, तो वो अल्लाह ताला ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो हमने इतना पढ़ पढ़ा के जो बिग बैंग थ्योरी हमने सजेस्ट करी है वो अल्लाह ताला ने कंफर्म कर दी। ये चीज 1400 साल पहले कुरान में पहले से ही लिख दी गई थी कि दी हेवेंस एंड दी अर्थ, दी हेवेंस एंड दी अर्थ वर अ ज्वाइंट एंटिटी, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ था, सब कुछ जुड़ा हुआ था और हमने उसको फाड़ के और सब कुछ बना दिया, ये लिखा हुआ है कुरान में, ठीक है जी। एंड इसमें एक जो है वो चीज नहीं है, इसमें दूसरी चीज भी है कि मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग। वाटर का मतलब ये है, वी ऑल नो, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे अंदर आई थिंक 70% पानी है, समथिंग लाइक दैट। तो सब तमाम ऑर्गेनिजम्स में पानी ही होता है, चाहे छोटा सा सेल हो, चाहे बड़े से बड़ी कोई एलिफेंट हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग हैज वाटर इन इट। तो ये जो है आपके कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा ना, दो बातें जो है वो इधर समझानी है। कुरान की ये जो चीजें हैं ना, ये जो जो बेसिकली सेंटेंसेस हैं उनको आयात बोला जाता है, ठीक है। आयात क्या होती हैं? आयात आर साइंस, ठीक है। कुरान इज अ बुक ऑफ साइंस, ठीक है। इट्स नॉट साइंस या इट्स नॉट स्टोरी टेलिंग बुक या ऐसी कोई चीज नहीं है, आयात पे है। आयात का अरबी में मतलब जो है वो है बुक ऑफ साइंस, ठीक है जी। साइंस क्या? SIGNS, साइंस, ठीक है जी। बाकी हिदायत नाम हम, ये और भी चीजें हैं, बट आयात का जो मतलब है वो साइंस है, ठीक है जी। मतलब हर जो आयत है आपकी वो एक क्या है, वो साइन है, ठीक है जी। बाकी इफ यू डू रीड द कुरान की तफसीर, मुझे याद नहीं सही से कौन सी सूरह थी, बट इट्स क्लियरली मेंशन इन द कुरान एज वेल कि जो हमारी आयात का वॉर करते हैं,
आयात का मतलब अब हो सकता है वो कुरान की आयत की बात हो रही हो, या हो सकता है वो साइंस की बात हो रही है, ठीक है। तो जो हम इतना जो पढ़ते हैं और जो हम इतना सब कुछ करते हैं, अगर कोई जो है वो गौर व फिक्र करना चाहे तो इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय अल्लाह के गौर व फिक्र करो, मेरे करीब ही आ रहे हैं। आपने इतनी फिजिक्स पढ़ ली, आप इवेंचुअली अल्लाह ताला के करीब ही गए हो, अल्लाह ताला से दूर नहीं गए। हम एथियस्ट नहीं बने, हमने कुछ नहीं करा, हमारी सारी फिजिक्स इवेंचुअली इवेंचुअली जो अल्लाह ताला के कुदरत और कानून में है, वहीं पे जाके बिल्कुल प्रॉपर जो है वो जाके बैठ रही है। यू कैन फाइंड दिस आयात, इसके अलावा भी बहुत सारी एक दो थिंग आई थिंक और आयात है जहाँ पे बिग बैंग और मेंशन है, उस उन आयात में शायद ऐसा भी कुछ मेंशन है कि वी हैव बिन एवर एक्सपेंडिंग, मतलब उसको हमेशा एक्सपेंड करे जा रहे हैं, वो और हबल्स लॉ और चीजें जो है वो प्रूव हो गई। 1400 साल पहले ये चीज नाजिल हुई हुई थी, अब जो है वो हमने जाके 1400 साल बाद हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है जी। नाउ ऑन टू द वेरी लास्ट कैलकुलेशन, अब ऑन टू द वेरी लास्ट कैलकुलेशन, और ये क्या है, दिस इज द एज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब कुछ समझाना बिग बैंग थ्योरी इससे पहले, अब हम फाइनली निकालने जा रहे हैं एज ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा ना, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, सब कुछ एक पॉइंट मास में था, ठीक है, फटा यूनिवर्स बन गई, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस हैपेंड कि यू हैड अ सिंगुलैरिटी, ये लेट्स से दिस वाज योर सिंगुलैरिटी, ये फटी है और ये फिर सिंगुलैरिटी बेसिकली फैली है और ये बनी है आपकी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्स आपको नजर आती है, जो यूनिवर्स आपको नहीं नजर आती है, वो बेसिकली इस सिंगुलैरिटी से आई है, ठीक है। ये यूनिवर्स फैलते फैलते, अब इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ये गैलेक्सी एक गैलेक्सी, ये दूसरी गैलेक्सी, ये तीसरी गैलेक्सी, ये जो है वो चौथी गैलेक्सी, देन गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे डॉट्स, ये बेसिकली आपकी क्या है, दिस इज द यूनिवर्स टुडे, दिस इज द यूनिवर्स टुडे। अब जरा अंदाजा लगाते हैं कि हमारी यूनिवर्स की एज क्या होगी। सिंगुलैरिटी थी वो फटी थी, लेट्स से इसमें से ये वाला जो डॉट है, ये वाला कि दिस वन, दिस इज अस, ये हमारा अर्थ है, लेट्स से दैट दिस इज द अर्थ। अच्छा अब क्या हुआ था, ये जब फटा और ये हमारा अर्थ आया वजूद में, ठीक है। अच्छा नाउ दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है डी, ये सिंगुलैरिटी का डिस्टेंस जो हमारे अर्थ से होगा वो सबसे ज्यादा दूर होगा, राइट, क्योंकि यूनिवर्स जब फटी है उसके बाद ये सब कुछ वजूद में आया, तो बेसिकली अर्थ का जो डिस्टेंस है सिंगुलैरिटी से, दैट मस्ट बी द बिगेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, है ना, दैट मस्ट बी द बिगेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस दैट वी हैव, सही है जी। अच्छा तो अब अगर हम हबल्स लॉ लगाएं, वी इक्वल्स टू एच नॉट डी लगाएं, ठीक है जी। अब इसमें कुछ बातें समझनी है, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा डिस्टेंस ले रहा हूं, यानी मैं बहुत दूर का डिस्टेंस ले रहा हूं, तो फिर मेरी मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट ऑफ वेलोसिटी लगेगी, राइट। अगर मैं ये कहूं कि मैं सबसे दूर डिस्टेंस ले रहा हूं, मतलब जो पॉसिबल डिस्टेंस जितना मैं दूर जा सकता हूं, मैं अगर वो ले रहा हूं, तो उससे क्या होगा, उससे द रिसेशन वेलोसिटी विल ऑल्सो बी द ग्रेटेस्ट, रिसेशन वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। यहां पे लिख भी रहा हूं, इफ वी आर टेकिंग दी फर्देस्ट डिस्टेंस, मतलब हम कोई ऐसी चीज ढूंढना चाह रहे हैं जो सबसे दूर है, जो सबसे दूर आ गई उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है, तो हम ढूंढना चाह रहे हैं सबसे दूर चीज, इफ वी आर टेकिंग दी फर्देस्ट डिस्टेंस इट्स रिसेशन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, इट्स रिसेशन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। अब दुनिया में आपकी कायनात में जो मैक्सिमम स्पीड है, आपकी जो यूनिवर्स की जो लिमिट है वो क्या है, दैट इज द लिमिट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, सी इक्वल्स टू 3 × 10^8, दिस इज द लिमिट ऑफ फास्टेस्ट स्पीड, ये लिमिट है आपकी स्पीड की, कोई चीज इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकी, ये आइंस्टाइन प्रूव कर चुका है। तो 3 × 10^8 से आप तेज नहीं जा सकते हो। सो इफ वी आर टेकिंग द फर्स्ट डिस्टेंस, यानी मतलब मैं कोई ऐसी गैलेक्सी कह रहा हूँ, कोई ऐसी सिंगुलैरिटी कह रहा हूँ जो बहुत दूर है, तो उसके ऊपर मतलब थ्योरेटिकल लिमिट कौन सी लगेगी, कि वो थ्योरेटिकल लिमिट लगेगी 3 × 10^8। सो बेसिकली वी, मैं लूंगा
एज सी, सी लिख लेते हैं ठीक है, एच नॉट एंड देन डी। अच्छा डी कैसे निकलेगा, डी भी बड़े आराम से निकल सकता है, डी कैसे निकलेगा ना, डी हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, बाय द लाइट रीचिंग अस राइट। सो यू नो के द स्पीड ऑफ लाइट विल इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ऑफ लाइट भी डिस्टेंस अपॉन टाइम से आएगी ठीक है। अच्छा अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए हो तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सी इंटू टी से है ना। तो अब इस डिस्टेंस की जगह मैं क्या रख रहा हूं, मैं सी इंटू टी रख रहा हूं। अब इस बात को समझो, ये कोई टी नहीं है, ये कोई ऐसी टी नहीं है, ये वो टी है जो सबसे दूर टी है, जो सबसे दूर वाली गैलेक्सी का टाइम आ रहा है, यानी वहां से जब लाइट आई है तो वो सबसे टाइम ज्यादा टाइम लेके हमारे पास आई है। सो दिस टी मस्ट बी द एज ऑफ द यूनिवर्स, दिस शैल बी टी नॉट, आई विल कॉल इट टी नॉट, ये हमारी जो है दिस इज द एज ऑफ द यूनिवर्स, ये कोई ऐसी मामूली टी नहीं है। ये टी क्या आया है, हमने थ्योरेटिकल लिमिट सी डाली रिसेशन वेलोसिटी की, उसकी वजह से फिर हम कह सकते हैं कि सी इंटू टी नॉट, टी नॉट यानी एज ऑफ द यूनिवर्स होगी। जाहिर बात अगर कोई गैलेक्सी बहुत दूर है उसकी मैक्सिमम रिसेशन वेलोसिटी आ रही है, उससे जो टाइम लगा होगा हमारे पास लाइट आने में वो उस टाइम के बराबर हो चाहिए जिस टाइम से हमारी यूनिवर्स वजूद में आई होगी। तो सी इंटू टी नॉट दिस दिस शैल बी द एज ऑफ द यूनिवर्स, और फिर हमें कहना था वी कैन कैंसिल आउट सी, ये टी भी सेकंड में होगा ना, यस टी भी सेकंड में होगा, सी और सी कैंसिल, हमारे पास एच नॉट क्या आता है, या फिर हमारे पास टी नॉट क्या आता है, टी नॉट आता है कि टी नॉट जो है वो वन अपॉन एच नॉट है। द एज ऑफ द यूनिवर्स कैन बी गिवन बाय रेसिप्रोकेटिंग द हबल्स कॉन्स्टेंट। तो जरा जल्दी से कैन यू गाइज वर्क आउट द एज ऑफ द यूनिवर्स वर्स फॉर मी, एज ऑफ द यूनिवर्स, सो हबल्स कॉन्स्टेंट हमारे पास जो डेटा बुकलेट में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2.21 × 10⁻¹⁸, यानी टी नॉट विल इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.21 × 10⁻¹⁸। व्हाट्स इज टी नॉट कमिंग आउट टू बी, 4.54 4.52488 × 10⁻¹⁷ थैंक यू एमन, सेकेंड्स में आया है। दिस इज अ ह्यूज ह्यूज आंसर, इसको जरा इयर्स में कर लेते हैं, इयर्स में निकालने की कोशिश कर लेते हैं। इयर्स में कैसे करेंगे, पहले तो मिनट्स बनाओ तो 60 से डिवाइड करो, फिर आवर्स बनाओ तो 60 से दोबारा डिवाइड करो, फिर आवर्स को डे में बनाओ तो 24 से डिवाइड करो, फिर डे को ईयर में बनाओ यानी 365 से डिवाइड करो। तो इस तरह से करके लेट्स वर्क आउट द टाइम इन ईयर्स। तो कैन एनीवन गिव अस व्हाट इज द टाइम कमिंग आउट टू बी इन ईयर्स, 1.4348 × 10⁻¹⁰ ठीक है। मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं, ये 14.3 × 10⁻¹⁹ लिख रहा हूं, मुतबादल ये इसी बात के है, यानी आपकी जो यूनिवर्स है, द यूनिवर्स इज 14.3 बिलियन ईयर्स, मतलब आपकी जो कायनात है उसको शुरू हुए हुए 14.3 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। दैट इज दी जो हमारी मैथमेटिक्स आज हमें बताती है कि 14.3 बिलियन ईयर्स इज दी एज ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा अभी भी इस बात में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो क्यों है, वो इसलिए है बिकॉज आपने ये जो एच नॉट बोला है, ये एच नॉट हमें अभी तक हमारा सबसे एक्यूरेट एच नॉट है ठीक है। मसला क्या है, स्टार्स जो हैं ये पॉइंट्स दे रहे हैं गलत गलत ठीक है, तो उसकी वजह से लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो सकता था शायद कोई इस तरह से भी बना दे। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो बनेगी जब सब गैलेक्सीज, जब सब चीजें हमारे पास पूरी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, जब हमारे एरोनियस पॉइंट आना बंद होना शुरू हो जाएंगे, तो बेसिकली तब हम बिल्कुल एग्जैक्ट हबल कॉन्स्टेंट निकाल पाए। ये जो हबल कॉन्स्टेंट है इसमें एरर्स हैं, और वो एरर्स हैं इस वजह से। तो दिस हबल कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ये अभी तक की अच्छी वैल्यू हो सकता है, इन द कमिंग ईयर्स इन द कमिंग डेकेड्स हम और अच्छी हबल कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लें, हो सकता है हम कोई और रिलेशनशिप निकाल लें। तो अभी फिलहाल के लिए जितना हमारा अंदाजा लगता है ये लाइन बनती है, इसमें ऑब्वियसली एरर्स हैं, इसमें एरर्स हैं, लाइन ऐसी बन रही है, एरर्स हैं इसमें, तो हो सकता है वो एरर्स अभी फिलहाल हमें रियलाइज नहीं हो रहे, बाद में रियलाइज होकर ये वैल्यू ज्यादा अच्छी हो जाए, और हो सकता है फिर उससे आपके पास ज्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन
आ जाए फॉर दी एज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसको बस ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमने निकाला है कि द एज ऑफ द यूनिवर्स इज स्टिल नॉट एग्जैक्टली नोन। हमें अच्छा खासा अंदाजा हो गया है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली नोन एज द वैल्यू ऑफ एच नॉट इज प्रोन टू दी एरर्स इन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बस ये इतनी सी बात आपने और जो है वो समझ लेनी है। हमारे पास और अच्छी वैल्यू फॉर द एज ऑफ द यूनिवर्स आ सकती है। अभी फिलहाल हमारी मैथमेटिक्स, अभी फिलहाल जितना हमसे अच्छा से अच्छा काम हो सकता है उसके तहत जो है हमारे पास ये बात आती है। 225 हो रहे हैं और आज आपकी क्लास जो है वो इसी नोट पे, आपका पूरा कोर्स सब चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। देयर इज नथिंग मोर टू टीच।